ओके। सो हेलो एसबीडब्ल्यूबी गैंग, अजय भैया हियर। द स्टूडेंट्स, क्या आवाज आ रही है? लेट मी जस्ट चेक वंस, क्या मेरी आवाज आ रही है? आर वी लाइव? यस यस यस, पधारो भाई, पधारो पधारो। वेलकम एवरीवन, भैया का सबको सादर प्रणाम। ठीक है, वेलकम वेलकम वेलकम। आ गए होंगे तो लाइक ठोक के जाना फटाफट से। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का सेशन बड़े ही प्यार से, धमाकेदार यार। हाय हाय एवरीवन, बहुत सारे बच्चे भाई, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को लगा 200-300 बच्चे रहेंगे, बट या आप सबका प्यार बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सभी को एकदम क्लियर आवाज वगैरह तो आ रही है ना? यस, चलो ग्रेट। हाय हाय खान शिफा, हाय अपनी लाइफस्टाइल, हाय गीता विश्वकर्मा म्यूजिकल। सबके नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है भाई। हाय चेतना, हाय पोकेमॉन प्लेयर। कितनी देर चलेगा ये चलेगा बेटा, बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, मैं पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं भाई, इतनी मजा आने वाली है ना, आपने सोचे नहीं होंगे स्टूडेंट्स, तहलका मचने वाला है। ठीक है, मजा आएगी, बहुत बहुत मजा आएगा। बस उसके पहले सेशन को प्यारा सा लाइक कर देना, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, बस उसके पहले सेशन को प्यारा सा लाइक कर देना और फिर शुरू करते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। यस, देखो स्टूडेंट्स, आज जो है ना भाई, आज भैया कुछ ऐसी तैयारी करके आए हैं, इतनी मजा आएगी ना स्टूडेंट्स, कमेंट आपको ना मजा आ जाएगी। ठीक है, ये जो पानी का जो आवाज है, ओ भाई साहब, 900 बच्चे भाई, मेरे को लगा था 200-300 बच्चे रहेंगे। ठीक है, आपने तो मतलब बहुत ही मतलब जोश दिखा दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये जो पानी का आवाज जो आता है ना, वो मेरे लैपटॉप का ड्रॉप का आवाज है। ठीक है ना, तो वापस आएगा एक बार। ओके स्टूडेंट्स, हजार हजार कर देना आज। ठीक है, हजार बच्चे आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई, मैं सही में बोल रहा हूँ, मैं सोच के आया था कि आज 100-150 बच्चे रहे, 200 तक बच्चे रहेंगे मैं सोचा था, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। और जाहिर सी बात है, अभी आप सब जन एकदम पढ़ाई में व्यस्त होंगे, तो मैं सोच रहा था 150-200 बच्चे होंगे, 200-300, तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, आज के सेशन में क्या होगा, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी पीडीएफ फाइल है, सबको मिल जाएगी पीडीएफ फाइल, बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, अच्छा से देखना। देखो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस वन के आज हम 10 मार्क कवर करने वाले। कितने मार्क कवर करने वाले हैं, फटाफट सभी बच्चे लिखेंगे 10 मार्क SBWB, फटाफट सभी बच्चे लिखेंगे 10 मार्क SBWB। ठीक है, 10 मार्क्स SBWB। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना स्टूडेंट्स, पॉसिबल होगा तो। ठीक है, 10 मार्क्स SBWB। हाँ ठीक है, 10 मार्क्स SBWB मैं आपको लिख के देता हूँ स्टूडेंट्स, अगर जो क्वेश्चंस आज मैं देने वाला हूँ, जो आप सभी बच्चे एकदम साथ में कर लोगे, मजा आएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा बस। यस, चलो हजार बच्चे हो गए हैं, क्या बात है। अभी ध्यान दो, अभी वेस्ट नहीं करेंगे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलेगा ना सबको, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे। हाँ, वॉइस इज वेरी लो, आपका वॉइस बढ़ा लो, रुको मैं चेक करता हूँ, दो मिनट स्टूडेंट्स। हाँ आ रहा है भैया, आवाज तो आ रहा है। ठीक है, आवाज तो आ रहा है। यस, देखो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले, मेरे को बोलो सबसे पहले क्या करें, कोरिलेशन करें या फिर फिल इन द ब्लैंक्स करें, आप पे छोड़ता हूं, कोरिलेशन करें मजा आएगा, कोरिलेशन करें, कोरिलेशन, यस कोरिलेशन करते हैं, आपको फटाफट से आंसर देने हैं।
ठीक है, कोरिलेशन करेंगे, आपको फटाफट से आंसर देने हैं। यस यस, हाँ चलो, वन के हो गए, वन के हो गए। चलो थैंक यू सो मच, 1,000 हो गए। लाइक भी कर देना फिर, 1,000, ठीक है, 1,000 हो गए तो लाइक भी कर दो भाई। हाँ ओके, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, फटाफट से आंसर देंगे, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, पहले कोरिलेशन करेंगे। बोलो स्टूडेंट्स, इका बोरॉन अगर स्कैंडियम होगा तो इका एल्यूमिनियम क्या होगा? अगर इका बोरॉन स्कैंडियम होगा तो इका एल्यूमिनियम क्या होगा? इका एल्यूमिनियम क्या होगा? फास्ट फास्ट, इका एल्यूमिनियम जर्मेनियम नहीं यार, ठीक है, इका एल्यूमिनियम होगा स्टूडेंट्स विच इज गैलियम। वेरी गुड, ठीक है, इका बोरॉन अगर स्कैंडियम होगा तो इका एल्यूमिनियम क्या होगा? विच इज गैलियम होगा। कहां से ला रहे भैया आप ये, मतलब किधर, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 2 का है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद सेकंड वाले पे बढ़ रहे हैं, फटाफट से कमेंट करो, हर एक बच्चा कमेंट करेगा। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास तो आप सबको पता होगा, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, देखता हूं मैं आज मेरे महाराष्ट्र के बच्चों को कितना आता है, जितने भी 1,001 बच्चे हैं भाई, मैंने सोचा नहीं था, सही में बोलता हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, मैंने बस सोचा था 200-300 बच्चे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार बताने के लिए। सो दिस विल बी एटॉमिक नंबर, वेरी गुड, ठीक है, ये क्या होगा? एटॉमिक नंबर। सुपर चैट भी मिल गया है, शुक्रिया। ओके, ग्रुप 1 और 2 होगा एस ब्लॉक स्टूडेंट्स, तो ग्रुप 13 से 18 ध्यान में रखना, 13 ग्रुप से लेके तो 18 ग्रुप तक, फटाफट सब बच्चे कमेंट करेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करो। यस हाँ, लैंग्वेजेस भी लेने वाले, बोलो बोलो बोलो। सो दिस विल बी पी ब्लॉक, क्या बात है क्या बात है लाला लोग, स्टूडेंट्स यार शेयर नहीं कर रहे हो आप, ठीक है स्टूडेंट्स यार शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर कर दो यार, शेयर कर दो, ठीक है, 1,000 बच्चे आ गए हैं, मेरे ख्याल से और ज्यादा बच्चे आ जाएंगे, ठीक है, उनका भी भला हो जाएगा, है कि नहीं? ओके, उसके बाद ग्रुप 13 से 18 अगर पी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप के आते हैं? बोलो डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप के आते हैं? डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप के आते हैं? डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप के आते हैं? मतलब आपको ग्रुप्स के नाम लिखने हैं फास्ट। अरे भाई फटाफट, बोलो मेरे शेरो, लालाज और लालीज, बोलिए। विच इज ग्रुप 3 से लेके तो 12 तक, बहुत बढ़िया, दो एलिमेंट्स इन द सेम पोजिशन, वो डी मेरिट था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप का ये किसके लिए था? आइसोटोप का ड्रॉबैक किसके लिए था? आइसोटोप का ड्रॉबैक किसके लिए था? आइसोटोप का ड्रॉबैक किसके लिए था? देखो दो एलिमेंट्स को एक ही जगह पे रखने का, ये जो डीमेरिट था ये न्यूलैंड का था, तो प्लेस ऑफ आइसोटोप्स, मेरे ऊपर है शायद, ठीक है थोड़ा झुक जाता हूं मैं, प्लेस फॉर आइसोटोप्स किसका ड्रॉबैक था? विच इज डीमेरिट, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये क्या होगा बच्चा लोग, लाला लोग बोलो, ये होगा डीमेरिट ऑफ मेंडेलीव, ठीक है, डीमेरिट किसका होगा स्टूडेंट्स? दिस विल बी डीमेरिट ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ओके, डीमेरिट ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, बेरिलियम अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो सोडियम क्या है? स्टूडेंट्स बेरिलियम अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो सोडियम क्या है? आंसर मी फास्ट, आंसर मी फास्ट, आंसर मी फास्ट, और भाई लाइक करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं।
सो दिस विल बी अल्कली अर्थ, सॉरी अल्कली मेटल, ठीक है, दिस विल बी अल्कली मेटल। स्टूडेंट्स क्लोरीन अगर हेलोजन ग्रुप का है तो आर्गॉन कौन से ग्रुप का है? क्लोरीन अगर हेलोजन ग्रुप का है तो आर्गॉन कौन से ग्रुप का है? फास्ट 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 फास्ट, बोलो बोलो बोलो, आर्गॉन कौन से ग्रुप का है? विच इज नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, एनीथिंग यू कैन राइट देयर, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। ओके, आयोडीन अगर सोलिड है, देखते हैं स्टूडेंट ये कौन कौन आंसर सही देता है। आयोडीन अगर सॉलिड है तो ब्रोमीन क्या होगा? फास्ट, ब्रोमीन क्या होगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन विल बी इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है, ब्रोमीन जो होगा लाला लोग वो होगा लिक्विड फॉर्म। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स ये आता है या नहीं आता है, ये आता है या नहीं आता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी को, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किसको कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर किसको कन्वर्ट करता है? फास्ट, इलेक्ट्रिक जनरेटर किसको कन्वर्ट करता है? चलो भाई रुको मत, रुको मत, कमेंट करते चलो। ओके जीरो ग्रुप भी बोल सकते हो आप। यस, इलेक्ट्रिक मोटर अगर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी को, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किसको कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर किसको कन्वर्ट करता है? वो करता है स्टूडेंट्स विच इज मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ध्यान में रखना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्लियर है? फटाफट फटाफट भाई, आज तो है ना, आज तो हम 10 मार्क कवर करके जाएंगे, मतलब कवर करके जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, यही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके बोर्ड्स में। हाँ यही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके बोर्ड में। ओके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये किस पे बेस्ड है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल ये किस पे बेस्ड है? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये किस पे बेस्ड है? फास्ट आंसर। चलो 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 गांव वालों बोलो। वेरी गुड, विच इज इंड्यूस्ड करंट, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, कौन सा होगा? विच इज डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे लिखा था इसका आंसर जो होगा, मैं आंसर कर देता हूं, मैकेनिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में, और यहाँ पे विच इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये किस पे डिपेंड होगा? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके नेक्स्ट वाला स्टूडेंट्स, अगर अल्टरनेटिंग करंट ऑसिलेटर ही है तो डायरेक्ट करंट कैसा होगा? अगर अल्टरनेटिंग करंट, इफ अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी तो डायरेक्ट करंट कैसा होगा? सो डायरेक्ट करंट कैसा होगा? बोलो बोलो बोलो। देखो ऑसिलेटरी का अपोजिट कर देने का विच इज क्या? दैट इज नॉन ऑसिलेटरी, ठीक है, नॉन ऑसिलेटरी। देखो ऑसिलेटरी मतलब ऐसा ऊपर नीचे जाता है, ठीक है, ऐसे में, लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है, जो डायरेक्ट करंट होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है, क्लियर है क्या सबको? चलो एक बार दिल भेज दो फटाफट से कमेंट्स में, एक बार दिल भेज दो फटाफट से कमेंट्स में, आगे बढ़ रहे हैं फिर, ठीक है। ऐसे ही टाइप के स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, गिव साइंटिफिक रीजन वगैरह सब विद आंसर्स, सब मिलने वाले हैं, विद आंसर्स मिलने वाले हैं, और इसका पीडीएफ जो होगा ये आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा भैया की तरफ से। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट, व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर,
कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा बिफोर द वाटर इवेपोरेट्स, बिफोर द वाटर इवेपोरेट्स तो टेम्परेचर कैसा होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कैसा होगा? वाटर इवेपोरेट होने से पहले, वाटर इवेपोरेट होने से पहले डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? कॉमन सेंस लगाओ स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा है। बोलो बोलो बोलो। यस, विच इज टेम्परेचर क्या होगा लाला लोग, टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होने वाला है, विच इज टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। वेरी गुड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ग्रेटर देन होगी 60% तो सेचुरेटेड होगा, और तो लेस देन क्या होगा फिर, सेचुरेटेड का अपोजिट बोल दो, सेचुरेटेड का अपोजिट बोल दो भाई, सेचुरेटेड का अपोजिट बोल दो फटाक से, सेचुरेटेड का अपोजिट बोल दो फास्ट एंड फास्ट। ओके 2 मिनट बस। सैचुरेटेड का अपोजिट विच इज अनसैचुरेटेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बस मैं एक बार है ना पीडीएफ बना लेता हूँ, आपको आंसर दे देता हूँ मैं। ठीक है 2 मिनट। यस, कहाँ पे गया रे वो? तो सैचुरेटेड का क्या होगा, कहाँ पे गया? हाँ, सैचुरेटेड का होगा विच इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड का होगा अनसैचुरेटेड। बड़े स्टूडेंट्स आगे। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से 2 मिनट, मैं बस कमेंट्स एक बार ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अनसेचुरेटेड। हाँ, तुमको पीडीएफ मिलेगा ना भाई, बिना पीडीएफ का कैसे? 2 मिनट स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वाले पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले पे बढ़ेंगे, 14th वाले पे। ठीक है, 14th वाले पे। While studying anomalous behavior of water in Hope's apparatus, the upper temperature of the thermometer zero होगा, upper वाला। तो lower वाला कितना होगा? अगर upper वाला zero होगा students, अगर upper वाला zero होगा तो lower वाला कितना होगा? That will be nothing but 4 degree Celsius। कितना होगा? Which is 4 degree Celsius। Very good। Next वाले पे बढ़ते हैं। The density of a water at 4 degree Celsius, anomalous behavior of water, और अगर अगर आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड आइस में, मतलब वापस, जैसे हम सभी को पता है, विच इज ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट रिलेटेड किसको है, दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू हुम? हाँ, विच इज रेगुलेशन। ठीक है, विच इज व्हाट, कहां पे कह रहे, विच इज रेगुलेशन। बहुत बढ़िया। मूविंग ऑन टू द 16th, फटाफट आंसर दो। हाँ, अरे यार ये निब्बा निब्बियों को क्या करना रे। ठीक है, मैं देख रहा था स्टूडेंट्स, ये निब्बा निब्बी पहले भी आके बैठे थे। ठीक है, मतलब लेक्चर शुरू होने के पहले ही आके बैठे थे, ये लेक्चर शुरू होने के पहले ही आके बैठे थे। ओके, टू एन वन मतलब वो रहता है ना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2n1, वो फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड है, तो 1 to n क्या होगा, सेकेंड टू वन। अच्छा चलो, इसका आंसर कौन देगा बोलता हूं, देखते हैं। बॉयज या गर्ल्स पहले, बॉयज या गर्ल्स पहले? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1.0003, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना, विच इज 1.33। वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। चलो रुको 2 मिनट, ये बच्चे बोल रहे हैं भैया क्या बोलते हैं हम, विच इज ये कम कर दो जो स्लो मोड है, तो देखे ठीक है, स्लो मोड हटा देता हूं मैं।
ठीक है, अभी देखो अभी स्लो मोड नहीं होगा, ठीक है अभी स्लो मोड नहीं आएगा तुमको, ओके क्लियर, अभी स्लो मोड नहीं आएगा। ओके चलो अभी फिल इन द ब्लैंक्स पे आ गए तो फिल इन द ब्लैंक्स ही कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप जूम कर लेना उधर से, ठीक है अभी फटाफट आंसर देना, देखते हैं सबसे पहले बॉयज आंसर देते हैं गर्ल्स। अ डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ए बी सी आर डी, फटाफट ए बी सी आर डी, फटाफट ए बी सी आर डी, फटाफट। फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम या मोशन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ओके। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार, जो भी ऑर्बिट होता है प्लैनेट का रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार, सर्कुलर में होता है, लीनियर होता है, टुवर्ड्स अ फोकल पॉइंट होता है या इलेप्टिकल होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, फास्ट फास्ट फास्ट, विच इज वेरी गुड, इलेप्टिकल, बहुत बढ़िया। अरे नमूनो इनर्शिया होता है रे भाऊ, अरे कसा अभ्यास करतो है रे तू, किती सोपे सोपे चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन है। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश ऑफ द मीन स्क्वायर, अरे ये तो डायरेक्ट थर्ड वाला जो लॉ है हमारा स्टूडेंट्स, जो थर्ड वाला लॉ है, जो थर्ड वाला लॉ है बोलो, जो थर्ड वाला लॉ है, क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है, ए बी सी या डी, विच इज ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, क्यूब। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ दोज बॉडीज एंड इज डैश ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, फास्ट, ए बी सी या डी, बहुत बढ़िया, गिरधारी, आयुष, प्रवीणा, शेख, रैयान, अनिल, स्वप्निल, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्या होता है वैल्यू, 6.673, 6.673 इंटू 10^11 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में, बोलो। स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करते चलो भाई, सब्सक्राइब करते चलो, सब्सक्राइब नहीं करे तो कोई फायदा नहीं, ठीक है सब्सक्राइब नहीं किए तो कोई फायदा नहीं भैया, इतना मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, फटाफट, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट। द डैश फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्स इन नेचर, कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, बोलो, अपना जो चैप्टर है वही आएगा यार, कॉमन सेंस लगाने का, ग्रेविटेशनल फोर्स। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बोलो स्टूडेंट, स्मॉल जी की वैल्यू कब सबसे ज्यादा होती है, कब सबसे ज्यादा होती है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डैश हाइएस्ट एट द पोल्स, सही क्या है, हाईएस्ट एट द इक्वेटर, सेम एवरीवेयर, सब तरफ सेम होता है ऑन द अर्थ, या फिर लोएस्ट एट द पोल्स, सो इट इज हाईएस्ट एट द पोल्स, बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, 10 मार्क कंफर्म होने वाले हैं तुम्हारे, 5 मार्क तो कंफर्म है एमसीक्यू में। देखो स्टूडेंट्स ऐसा एक दो एमसीक्यू नहीं लाया हूं मैं, एक दो एमसीक्यू नहीं है स्टूडेंट्स, कितना है मेरे को बोलो कमेंट में, बोलो कितने एमसीक्यू दिख रहे हैं, कितने एमसीक्यू दिख रहे हैं, कमेंट कमेंट कमेंट, कितने एमसीक्यू भैया, एक दो एमसीक्यू नहीं लाते, डायरेक्ट लाएंगे तो 100-150 के ऊपर एमसीक्यू लाएंगे, ठीक है तुम्हारा एक एक करके मैं फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड मैन आउट, सब 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 ऐसा कर दूंगा ना, खतरनाक, इनमें से ही आएंगे, इनमें से ही आएंगे, ठीक है याचा तू ना चेनार। ओके नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू, बोलो वैल्यू ऑफ जी कितना होता है, वैल्यू ऑफ जी कितना होता है, परफेक्ट वैल्यू बोलो स्टूडेंट्स, 9.78 होता है, 9.82832 होता है, 9.8 होता है या 6.67, बोलो बोलो बोलो, विच इज 9.78, ध्यान में रखना तुम, नहीं तो क्या कर दोगे न्यूमेरिकल में, तुम 9.8 लिखने का आदत हो गया है तुमको, नमूनो 9.78 होता है, कितना होता है,
9.78, कितना होगा लाला लोग, 9.78, अरे 9.8 नहीं, 9.8 नहीं, 9.78। अरे स्टूडेंट्स एट द इक्वेटर है ना भाई मेरे, एट द इक्वेटर है, अर्थ पे अलग। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन, अरे भाई बहुत सिंपल है, एयर, वैक्यूम, सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर नन ऑफ दिस। अरे भाई साहब वैक्यूम, अरे भाई साहब वैक्यूम। द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली डैश, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नियरली ऑन द मून इज डैश, कितना होगा, 1/6, 1/8, 1/2 या 2/6, अपन ने पढ़ा है 1/6, ठीक है, कितना होगा 1/6। ओके चलो भाई सेकेंड चैप्टर पे भी आ रहे हैं हम फटाफट से। अ पर्सन वेट्स, भैया ये स्ट्रीम कितने बजे तक चलेगा रिप्लाई देना। ये स्ट्रीम 9:30 तक चलेगा, 8:30 बजे शुरू किया है, 9:30 तक सब क्लियर हो जाएगा। ओके, अ पर्सन वेट 60 ऑन द अर्थ, तो मून पे कितना होगा, देखो स्टूडेंट्स मून पे कितना होता है 1/6, तो अगर किसी का वजन 60 है तो 60 को 6 से डिवीजन किया मैंने तो कितना होगा 10, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, फटाफट से लाइक करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो, सब्सक्राइब करना मैंने भाई। न्यूटन प्रेजेंटेड लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थ्योरी ऑफ इज ग्रेविटेशन, कहां पे भाई, ये अलग क्वेश्चन है कुछ। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रिंसिपिया, कैलकुलस या ग्रेविटी, बोलो बोलो कहां पे होगा, किसमें उसने बोला है, कौन से बुक में, कौन से बुक में, कौन से बुक में, पास्ट, दो मिनट स्टूडेंट्स मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। यस शबाश निखिल। बोलो बोलो बोलो, यस यस, विच इज ऑप्शन ए या बी, प्रिंसिपिया है या कैलकुलस है, प्रिंसिपिया है या कैलकुलस है, विच इज प्रिंसिपिया। ओके बढ़ते आगे, बढ़ते आगे। अभी स्टूडेंट्स हम जाएंगे विच इज हमारे सेकेंड वाले चैप्टर पे, ठीक है, अभी हम जाएंगे सेकेंड वाले चैप्टर पे, चलो फटाफट। डॉबरनियर्स प्रेजेंट द रूल, डॉबरनियर ने कौन सा रूल प्रेजेंट किया था स्टूडेंट्स, विच रूल डॉबरनियर ने कौन सा रूल प्रेजेंट किया था, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक, ट्रायड्स या ऑक्टेव्स, क्या क्या, विच इज ट्रायड, वेरी गुड। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल अप टू, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये कहां तक एप्लीकेबल है, कहां तक एप्लीकेबल है, कहां तक एप्लीकेबल है, विच इज कैल्शियम, विच इज कैल्शियम। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर टू एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज विच ऑबे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बिटवीन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर, कितने होंगे, एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली कितने होंगे, देखो स्टूडेंट जाहिर सी बात है उनके ऑक्टेव्स में अपने को देखना है, 8 के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो 6 से 8 तो 2 ही हो रहे हैं, 7 से 15 ज्यादा हो रहे हैं, 8 से 14 भी ज्यादा हो रहे हैं, तो 8 से लेके तो अगर मैं 13 तक गिनूं तो बराबर 8 हो रहा है। समझ में आ रहा है, बराबर कितना हो रहा है, बराबर 8 हो रहा है, यस। ओके, एट द टाइम ऑफ मेंडेल्यू डैश एलिमेंट्स वेर नोन, मेंडेल्यू के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे, मेंडेल्यू के टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे स्टूडेंट्स, फटाफट फटाफट फटाफट, विच इज 63। इन मेंडेल्यूज पीरियोडिक टेबल इका सिलिकॉन वॉज लेटर नेम्ड, इका सिलिकॉन का नाम बाद में क्या कर दिया था भाई, ठीक है, बाद में क्या कर दिया था, इका सिलिकॉन का नाम, मतलब देखो वो डी मेरिट था, मेरिट उसने 3 वैकेंस प्लेसेस रखे थे, बाद में क्या कर दिया था, विच इज जर्मेनियम, ध्यान में रखना।
विच इज जर्मेनियम. इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स आर रिस्पेक्टिवली डैश एंड डैश. बोलो डैश एंड डैश. पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और पीरियड्स कितने हैं? देखो स्टूडेंट्स, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक दे रहा हूं मैं. इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक दे रहा हूं. विराट कोहली ग्रुप में खेलता है और उसका जर्सी नंबर है 18. मतलब सी जो होता है वो कॉलम, तो कॉलम तो 18 हो गया. मतलब ऐसा ऑप्शन जिसका पहला जो वर्ड होगा वो 18. और एच आर पी हार्दिक पांड्या ग्रुप में हार्दिक पांड्या जो है वो 7 नंबर पे बैटिंग पे आता है. मतलब एच मतलब हॉरिजॉन्टल, आर मतलब रोज, पी मतलब पीरियड्स. तो पीरियड्स कितने हो गए? 7. समझे? तो ऑप्शन विल बी 18.7. ऑप्शन विल बी 18.7. क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? फास्ट फास्ट फास्ट. डैश इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द पीरियड 2. डैश इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द पीरियड 2. पीरियड 2 का आउटर मोस्ट शेल क्या है? पीरियड 2 का बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, के एल एम एन. तो के एल, एल आया, एल आया स्टूडेंट्स, एल आया. तो एल आया मतलब क्या हो गया? एल आया मतलब क्या हो गया? एल ऑप्शन हो गया. ठीक है, चलो फास्ट. द ग्रुप 1 एंड 2 कॉन्स्टिट्यूट्स द डैश ब्लॉक. कौन सा ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट करता है? कौन सा ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट करता है? फटाफट फटाफट फटाफट. कौन सा ब्लॉक? 1 एंड 2 कॉन्स्टिट्यूट द डैश ब्लॉक. एस ब्लॉक. विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप? सेम ग्रुप में रिसेम्बल करते हैं एटॉमिक नंबर्स. बोलो कौन से ग्रुप है ऐसा जिसमें ये सेम आएगा? देखो देखो, सोडियम कितना होता है? सोडियम होता है 11, और सोडियम के नीचे ये पोटेशियम है 19. तो ऑप्शन कौन सा हो गया? तो ऑप्शन कौन सा हो गया? विच इज 11.19. बहुत बढ़िया लाला लो. विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल लूज एन इलेक्ट्रॉन इजिली? बोलो स्टूडेंट्स, इन चारों में से कौन सा जल्दी खोलेगा? इन चारों में से कौन सा जल्दी विच इज ये करेगा? फास्ट फास्ट बोलो बोलो बोलो. फास्ट वेट अप. इफ देर इज जे जे के फैन फिल द स्ट्रीम विद गोजो. ओके, सो दिस विल बी सोडियम. विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट? स्टूडेंट्स लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से समझना. जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है ना, वो जो होता है वो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है. तो बोलो, तो बोलो. यहाँ पे आपको देखो स्टूडेंट्स, ये देखो, सुनो सुनो सुनो, आपको एक बॉक्स दिया होगा, आपको एक बॉक्स दिया होगा, उसमें आपको दिए होंगे लार्जेस्ट एलिमेंट के. तो उसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा विच इज पोटेशियम. इसका क्या था रे? सोडियम. रब हो गया मेरे से वो. ठीक है, यस. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर. यस बोलो 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 भैया. हेटर लोगा कब सुधरेंगे रे? ठीक है, हेटर लोगा कब सुधरेंगे? अरे भाई देखो, सुनो 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 भाई लोग, पहली चीज तो सुन लो. जो भी मेरे को मालूम है, जो भी ऐसे फालतू कमेंट करते हैं अपने स्ट्रीम के नीचे, भाई जाहिर सी बात है तुम भी जलने ही वाले हो, है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं भी तुम्हारे जगह पे होता तो मैं भी जलता ही तुमसे. तो जाहिर सी बात है भाई, हेट मत फैलाओ यार. ठीक है, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, तुम भी अच्छा काम करो, आगे बढ़ो, बच्चों का भला करो, दैट इज द थिंग. मेरे को मालूम ही था मैं जैसा लाइव आने बैठूंगा हेटर आके कमेंट करेंगे, मतलब करेंगे. ठीक है, और ये ऐसे वैसे हेटर नहीं है स्टूडेंट, जाने माने जो महाराष्ट्र में जो काम कर रहे उनके ही लोग बैठ के कमेंट करते. ये आज का नहीं, पिछले साल भी हुआ था. ठीक है, तो इनको काम धंधे रहते नहीं है कुछ, बस यही होता है. एक दूसरे के स्ट्रीम में जाओ, दो चार बंदे बैठा देते हैं, उनका नाम उधर चलाने का, जिनसे उनके उनको लगे अरे भाई कौन है कौन है, तो वो उधर जाके देखेंगे अरे भाई क्या. ठीक है, हाँ. चलो देखो भाई, अपन अपना काम, मैंने तुमको पहले ही बोला स्टूडेंट्स, अगर 300 से 400 बच्चे भी मेरे स्ट्रीम में रहे ना, मैं बहुत खुश हूं. ठीक है, मैं बहुत खुश हूं. मैं मेरे को मालूम है मैं क्या कर रहा.
ठीक है, तो मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ दैट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टूडेंट्स डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलो 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 विच इज सोडियम। ओके बड़े स्टूडेंट्स आगे। हाँ हाँ ये क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, ये क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या नहीं, क्या बोले वो, क्या नहीं इंक्रीज होता है, क्या नहीं इंक्रीज होता है? एटॉमिक रेडियस, मेटेरिक कैरेक्टर, क्या? देखो स्टूडेंट्स बाकी सब तो ट्रेंड्स है, बस वैलेंसी ऐसा एक ही ऑप्शन है जो कि पीरियोडिक ट्रेंड्स में नहीं आता है, जो कि पीरियोडिक ट्रेंड्स में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स कमेंट बहुत लेट कर रहे हो, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, अभी तो मैंने वो ये भी हटा दिया है। भैया आपकी आवाज कम आ रही है यार, मैंने तो मेरी आवाज एकदम फुल पे रखी है। हेलो हेलो हेलो, ओके ओके, अभी देखो रे अभी तो अभी आवाज तो आना चाहिए यार, आवाज तो आना चाहिए, ऑडियो भी अच्छा खासा रखा है मैंने। ठीक है आवाज आ रही है ना अभी? यस ओके, सुपर चैट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो स्टूडेंट्स, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सो दिस विल बी डिक्रीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट? 18 हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियड्स बोलते हैं, 7 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज पीरियड्स, या फिर क्या 18 वर्टिकल कॉलम्स, वी सी जी। यस वी सी जी, देखो विराट कोहली ग्रुप में खेलता है, ठीक है विराट कोहली ग्रुप में खेलता है। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है ना रे भाई ओके, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड डैश एलिमेंट्स। जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन, मेटलॉइड, नॉर्मल, इनर ट्रांजिशन। अरे अरे अरे, सिंपल ट्रांजिशन। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स, एटम की साइज, एटम की साइज इंडिकेट की जाती है उसके, बोलो 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 व्हिच इज एटॉमिक रेडियस, है ना एटॉमिक रेडियस। क्लियर सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 160 के। यस थैंक यू सो मच, आप चाहोगे तो 161 के आज ही हो जाएंगे। ठीक है अभी कुछ 300 ही सब्सक्राइबर बाकी है, कर दो भाई, लगा दो शेयर, मार दो फटाफट। हाँ चलो नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक काम करते हैं, थोड़े से हम है ना लॉजिकल वाले लेते हैं, ठीक है थोड़े से। थैंक यू सो मच हर्ष गेमिंग। ओके ड्यू टू डैश द पेंसिल बेंट इन द वॉटर इन द गिवन एक्सपेरिमेंट, बोलो किसके वजह से हो रहा है ये, किसके वजह से हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? ड्यू टू डैश पेंसिल लुक्स बेंट इन द वॉटर इन द गिवन एक्सपेरिमेंट। पेंसिल क्यों बेंड लग रहा है, क्या लगता है क्या होगा माजरा? अरे आपका जो लेसन होता है वही होता है भाई। सो दिस विल बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द फॉलोइंग। देखो स्टूडेंट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट जो दिया है वो है 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ एमर्जेंट कितना होगा, दिमाग लगाओ एंगल ऑफ एमर्जेंट कितना होगा बोलो एंगल ऑफ एमर्जेंट। देखो स्टूडेंट जैसे आता है तो थोड़ा बेंड हो जाता है, फिर बाहर निकलते समय वापस उतना ही हो जाता है। सो दिस विल बी ऑल्सो 40। द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ ग्लास स्लैब एट 40 डिग्री विद द सर्फेस ऑफ द स्लैब, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, then the angle of incidence is, shabash, which is 50. We see sun even after it goes below the horizon because q, hum jo hai which is sun ko horizon ke niche jane ke baad bhi hum dekh sakte hain, because zahir si baat hai wapas hamara jo lesson ka naam hai
उस पे होता है। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे कभी भी आपको अगर कंफ्यूजन होता है ना, ध्यान में रखना मेरी बात सुनो, कभी भी आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है तो एक चीज ध्यान में रखना, रिफ्रैक्शन जो लेसन के नाम होते हैं ना उस पे भी कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पे भी कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। ओके सर, आवाज नहीं आ रही है भाई, कितना क्लियर आवाज आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डैश इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या है, या उसको यूनिट ही नहीं है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मेरे को बोलो, स्नेल्स लॉ के अनुसार हमको क्या बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, सो इसको हम एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और हम साइन आई अपॉन साइन आर को हम एज अ कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। तो मेरे को बोलो क्या कांस्टेंट को कभी कोई यूनिट होता है, कभी नहीं, कांस्टेंट को कभी कोई यूनिट नहीं होता है, सो देयरफॉर द आंसर विल बी कहां पे गया, नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो यूनिट। ओके, यहां पे तो मैंने बोल दिया साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, इसका आंसर दो, लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स आर यूज एज अ सिग्नल्स फॉर सेफ्टी ट्रांसपोर्ट, फ्रॉम दिस द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज डैश नैनोमीटर। कितना होता है, कितना नैनोमीटर होता है रेड लाइट का, रेड लाइट का, रेड लाइट का, बोलो बोलो बोलो। जो भी नए बच्चे भाई सब्सक्राइब करते चलो, आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लाइव स्ट्रीम्स होने वाले हैं। दादा मला प्रीलिम्स मध्ये 70% मिळाले आहे, पण मला बोर्ड्स मध्ये 90 पाहिजे आहे। मी आता माझा सिलेबस ऑलमोस्ट संपलाय, प्लीज सांगा बोर्ड्स मध्ये चांगले मार्क्स मिळतील का। हो, का बरं नाही भेटणार, तू जर अभ्यास केला नीट, सविस्तर अभ्यास केला जसं जसं सांगतोय, नक्कीच। चलो स्टूडेंट्स, अभी एक काम करते हैं, अभी हम नेम द फॉलोइंग करेंगे, ठीक है, लास्ट के 15 मिनट जो होगा, लास्ट के 15 मिनट जो होंगे, नेम द फॉलोइंग, देखते हैं कौन आंसर देता। मैं इसके आंसर नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसके आंसर नहीं देने वाला हूँ, तुम ही बोलना, मतलब राइट है या रॉन्ग है मैं वो करूंगा, ठीक है। द एटम हैविंग बिगेस्ट बिगेस्ट एटॉमिक साइज फ्रॉम द पीरियड टू, देखते हैं कौन सा बच्चा देता है, फिर मैं उसका नाम भी लेने वाला हूँ। चलो फास्ट, चलो फास्ट, बोलो बिगेस्ट एटॉमिक साइज फ्रॉम द पीरियड टू। अरे नमूनो, दूसरे पीरियड भाई मेरे, दूसरा पीरियड दूसरा पीरियड, लिथियम। ये हुई ना बात, दैट विल बी लिथियम। स्टूडेंट्स नहीं समझ रहा है क्या, दूसरा पीरियड भाई, दूसरा पीरियड पहले पीरियड में बस हाइड्रोजन है और हेलियम है, दूसरे पीरियड में सबसे बड़ा साइज। अभी आप बोलोगे भैया सबसे बड़ा आपने कैसे पहचाना, ठीक है, आप क्या जादूगर हो गया। हाँ बेटा जादूगर है तेरे भैया, जादूगर के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो लिथियम, उसके बाद द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस फ्रॉम द जीरो ग्रुप, फ्रॉम द जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप में सबसे कम, अभी जाहिर सी बात है जीरो ग्रुप में सबसे जो छोटा है वही होगा, कौन है बोलो जीरो ग्रुप में सबसे छोटा, जीरो ग्रुप में सबसे छोटा कौन है, फास्ट। जीरो ग्रुप में सबसे छोटा कौन है, विच इज, देखो भाई ये तो हो गया हमारा लिथियम, ये क्या होगा, विच इज हेलियम। हाँ ओके, द फैमिली ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स, ग्रुप वन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वन एलिमेंट्स को अभी तो बोले थे अपन ने,
विच इज अल्कली मेटल्स, विच इज अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट, हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, भाई ये तो यूनिवर्सल है, हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, बोलो बोलो बोलो, फ्लोरीन। देखता हूं मैं किसका किसका बरोबर आया। नागेश का बरोबर आया, केत की, दीपक, कदार शेख, यश, ऋतिक, फिर उसके बाद जयदीप, रश्मि, प्राणल, अभिषेक, साक्षी, सोहम, बोर्ड स्टूडेंट, लव यू सर, लव यू अ लॉट, पाछे मेरे दिल के टुकड़े तेरे पास, ऋषिकेश, फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे भाई, फ्लोरिन, सैम, देखो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अभिषेक, शीतल, फिर उनैजा खान, अदिति गुप्ता, यश, क्या बात है क्या बात है, और साफवान कुरैशी, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है, ऐसे आंसर ये तो अपने को भी खुश होता है। द एलिमेंट हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फ्रॉम द थर्ड पीरियड, तीसरा पीरियड, हाँ तीसरे पीरियड में कौन आता है, उधर से तीसरे पीरियड में उधर से कौन आता है। स्टूडेंट सब्सक्राइब करते चलो भाई, जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, ठीक है सब्सक्राइब करते चलो, बस 300 सब्सक्राइबर्स बाकी है 1,61,000 के लिए, भाई कर दो आज, आज स्ट्रीम खत्म होने से पहले 161 के हो जाना। कादर शेख बोल रहा है सर मैं सिंगल हूँ, अच्छा तो अभी क्या करने का इरादा है लाला फिर तेरा, सिंगल है तो ठीक है, क्या करने का इरादा है बेटा, तू शायद दूसरी जगह पे आ गया, तेरे को किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना था ठीक है, लेकिन तू इस प्लेटफॉर्म पे आ गया है बेटा, गलत जगह पे आ गया है तू, ठीक है एकदम पूरा ऐसा गलत हो गया है। ओके, अ हेलोजन फ्रॉम फोर्थ पीरियड, हाँ बोलो, अ हेलोजन फ्रॉम फोर्थ पीरियड, एंड हेलोजन फ्रॉम फोर्थ पीरियड, संजय यादव बोल रहा है सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, ये ले ले लिया, एंड हेलोजन फ्रॉम फोर्थ पीरियड, चौथे पीरियड का हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो देखो फोर्थ पीरियड में कौन आ रहा है, फोर्थ पीरियड में कौन आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, क्योंकि पहले पीरियड में तो कोई होता ही नहीं है हेलोजन, तो ये सेकेंड पीरियड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, समझे समझे, यस ओके, द फैमिली हैविंग जीरो वैलेंसी, अरे भाई जीरो ग्रुप, या फिर नोबल गैसेस है ना, या फिर नोबल गैसेस, हाँ पीडीएफ मिलने वाली है, थैंक यू सर फॉर योर एफर्ट्स, अरे मींस अ लॉट। टू एलिमेंट्स हैविंग टू ऑर्बिट्स, देखो दो ऑर्बिट होना चाहिए, मतलब 2,8 ऐसे इनके बीच में होने चाहिए, तो कोई भी दो बोल लो, दो एलिमेंट्स के नाम बोलो, कोई भी दो एलिमेंट्स के नाम बोलो, तो देखो ना लिथियम कितना होता है 2,1, तो वही ले लो, सो लिथियम और बेरिलियम, ठीक है लिथियम और बेरिलियम। ओके, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हम सभी को बताया विच इज फ्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्टूडेंट ध्यान में रखना ये होता है केसीएम, ठीक है हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है केसीएम, याद रखो सभी बच्चे लिख लो चैट में, सभी बच्चे चैट में लिखेंगे केसीएम, ठीक है इसका नाम मुझे चैट में भर जाना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव का तो पता है लेकिन इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो सबसे ज्यादा होता है एलिमेंट वो क्या होता है केसीएम, चैट्स में भर दो, चैट्स में भर दो, चैट्स में भर दो। स्टूडेंट आपको बोलू कितने सब्सक्राइबर्स बाकी, अभी देखो 161 को बस 200 सब्सक्राइबर्स, ठीक है बस 200 सब्सक्राइबर्स, ओके नेक्स्ट, द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस फ्रॉम ग्रुप वन, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस फ्रॉम ग्रुप वन, तो जाहिर सी बात है ग्रुप वन का तो एक ही होगा, विच इज हाइड्रोजन, ठीक है विच इज हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भैया ग्रुप कौन सा टेलीग्राम का, अच्छा टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दे दूं क्या मैं, ठीक है बेटा चलो जाओ फटाफट से देखो, मैं पिन कर रहा हूं 2 मिनट,
मैं पिन कर देता हूं। आया क्या? देखो हाँ, देखो पिन कर दिया है मैंने, ठीक है पिन कर दिया है। ठीक है तो स्टूडेंट्स देखो, जो बाकी के होंगे वो एज अ मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। क्या सबको चलेगा? अभी मैं 5 मिनट उधर आ रहा हूं, सबसे बात करूंगा। यस और नो, दिस विल बी एज अ होमवर्क, और कल हम और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह नहीं, बाकी के सभी चीजें करने को आएंगे हम, गिव रीजंस वगैरह हम करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम साइंस वन पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ मैं दे दे रहा हूँ आपको उधर। पहले तो इधर आ जाता हूँ मैं। ओ भाई साहब, क्या बात है। चलो चलो चलो, यस ओके स्टूडेंट्स, मेरे को बोलो कल कौन से लेने हैं। ठीक है, कल कौन से लेने हैं, फटाफट बोलो। कल कौन से लेने हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया। आपने 150-300 प्रेडिक्ट किए थे और नियर अबाउट 800 लोग ज्वाइन हुए हैं। हाईएस्ट जो था वो हमारा 1100 पे गया था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ठीक है, आने वाले समय में और ऊंचाइयां छुएंगे, टेंशन लो मत। ठीक है, तो या साइंस टू। ठीक है ठीक है ठीक है, सर जी तुसी ग्रेट हो, थैंक यू सो मच सर, यू आर द बेस्ट टीचर क्लास 10, मींस अ लॉट। देखो यार, हम सब टीचर्स, देखो मैं ही नहीं, ठीक है, यूट्यूब पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए, सबसे मेरे अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे मैं अच्छे से बात करता हूँ, और जाहिर सी बात है आप भी सबको सपोर्ट करो। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि भाई मैच भारी है, मैच ये मैच वो, वैसा नहीं है, हम सब एक है, हम सब आपको, मेन उद्देश्य हमारा यही है कि आपका भला हो। ठीक है, सो इसी अच्छे थॉट के साथ, हाँ पहले तो भाई मेरे को नहीं मालूम, मेरे को है ना 161 हो जाना सब्सक्राइबर। ओके चलो कोई ना, फास्ट फास्ट फास्ट। यस, थैंक यू सो मच। चलो स्टूडेंट्स, एक बार बाय 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 कर दो। ठीक है, एक बार सभी बच्चे बाय कर दो, 1 घंटा हो गया है। वी विल एंड दिस सेशन और कल हम मिलेंगे। ठीक है, वी विल मीट टुमारो। यस, टेक माय नेम रेड्डी बॉस गेमर, क्या बात है, ले लिया भाई। ओके अरे देख ले भाई, हाँ बोलो बोलो, कमेंट करो। कितने चांसेस है ये क्वेश्चन आने के? 80-90% तो आराम से है चांसेस। ठीक है, इनमें से मेजोरिटी ऑफ द आएंगे, टेंशन लो मत। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स डिटेल में खोल के किए हैं अपन ने सब। ओके धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। चलो स्टूडेंट्स, टेलीग्राम का लिंक देखो मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, आप जाके देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। मिलते हैं स्टूडेंट्स कल 8:30 बजे इसी समय पे, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, तब तक के लिए पीस आउट, बाय।